गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा सेशन चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए, जिसमें हम मैथ्स का टॉपिक कवर कर रहे थे 1x1। और हमारा जो टारगेट है, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो CBT 1, एनटीपीसी का जो CBT 1 है, जिसकी अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं हुई है, जल्द ही फाइनल होने वाली है। तो CBT 1 का जो हमारा टारगेट है 30 out of 30, यानी जो मैथ्स का जो पोर्शन रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चंस। तो 30 out of 30, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मैथ्स में। अब ये कब पॉसिबल होगा? जब हम पूरी मेहनत से मैथ्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो रटना नहीं है किसी चीज़ को, सिंपल सी पहली बात तो ये कि हर टॉपिक को बेसिक से एडवांस की तरफ समझेंगे। इतना ज़्यादा लेवल भी आपका हाई नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चंस ना कर पाओ, और इतना लो लेवल भी आपका नहीं रहने वाला है। स्पष्ट रूप से NTPC ने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि 25% तो आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 55% आपका मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका टोटली 75% आप अच्छे से कवर कर सकते हो अगर पूरी मेहनत करते हो, और बाकी का जो 25% है उसके अंदर काफ़ी अच्छा लेवल आने वाला है, तो वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो अगर पूरी चीज़ें आपने कंसेप्ट को क्लियर किया है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, चाहे रीजनिंग हो चाहे GK हो, सब चीज़ों को बराबर आंकलन आपको करना है, तभी जाके आप कर पाओगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो पहला वीडियो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते वो हमने कर लिए। उसके बाद में हमने सेक्शन फार्मूला पे, कल जो वीडियो बनाया था उसमें सेक्शन फार्मूला के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, नो डाउट चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई मन में आपके अगर डाउट रहता तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो जिन्होंने ये वीडियो पहले वीडियो नहीं देखी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो दो वीडियो बने हैं उनको देख लीजिएगा, उसके बाद में आज वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। आज वाला उनसे डिफरेंट है, कोई बात नहीं। आज हम ट्रायंगल के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? ट्रायंगल के, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, ट्रायंगल का एरिया आपने कई फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक 1/2 बेस इनटू हाइट वाला पढ़ा होगा। आज हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, क्या दिया होगा? एक ट्रायंगल दिया होगा, मान लीजिए ए बी इसके नाम, और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यानी एक आपको ट्रायंगल दिया होगा जिसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, और तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, और हमसे क्या कहेगा? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है। तो अब इसका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, सिंपल सी बात आप याद कर लोगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 1/2 याद करने का तरीका। देखो, 1/2 आप करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? x1, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आई हुई उसमें x1, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ x1 मल्टीपल में लगा दी। अब देखो x1, उसके बाद में आपका आएगा y2 माइनस में y3। देखो सीरीज चल रही है, x1 के नीचे पैरों, देखो 1, 2, 3, यानी x मल्टीपल में आगे 2, 3, y आप लगा देना माइनस का, फिर आपका प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से x2, पहले x1 आया फिर x2 आया। अब देखो 2 के बाद में क्या आता है? y3, 3 के बाद में क्या आता है? y1, ठीक है, सिंपल है। 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 1 आता है, तो यहाँ से x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3। अब देखो x3 के बाद में क्या आएगा? y1 माइनस में y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या करने है? एरिया फाइंड करने का। किसका एरिया? ट्रायंगल का। समझ में आया? देखो रटना नहीं है फॉर्मूले को, देखो सिंपल फॉर्मूला, कुछ ही नहीं करना। 1/2 x1 तो आपको लिखना है, उसके बाद में x1 के बाद में देखो 2 और 3 आएगा, तो 2, 3 की वैल्यू y के अंदर लिखनी है और माइनस बीच में लगा देना है। सिंपल सी x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस में y2। ये आपका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरी बात, पहला टाइप का क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा संरेखीय। थ्री कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे और आपसे पूछेगा ये संरेखीय हैं क्या, आपसे चेक करवा संरेखीय। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अगर बिंदु संरेखीय हैं तो उनका जो एरिया का क्षेत्रफल है, ठीक है, उनका जो त्रिभुज के एरिया का जो क्षेत्रफल है, तो वो क्या होगा? हमेशा 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है,
ठीक है, यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं, ऐसा कुछ देख के मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है कि जो आज का जो पार्ट कर रहे हैं वो ट्राइंगल से रिलेटेड हम करने वाले हैं। अब इसमें आपके मीडियन भी पूछेगा, आपसे सेंट्रोइड भी पूछेगा ट्राइंगल के, वो भी हम डिस्कशन करें, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने बताया था किस पे क्वेश्चन आज करने वाले, किस बेस के ऊपर हम, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ये फॉर्मूला लिख के अब समझा देता हूँ, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं रखूँ, आपको माइंड के अंदर उसको याद करना होगा जिससे कि आपका समय बचेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है, तो क्या फॉर्मूला था, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था x1 y2 माइनस में y3, ठीक है, बताया था, फिर x2 y3 माइनस में y1, ठीक है, प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ये बताया था। अब देखो आपके सामने x1 x2 x3 y1 y2 सब की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें रखनी है, चलो रखते हैं इसमें 1 बाई टू, x1 की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ 1, ठीक है, y2 की कितनी है, y2 कितना है 6 है, माइनस का y3 कितना है, माइनस का y3, माइनस का y3 माइनस का 5 और माइनस फॉर्मूले में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस में x2 कितना आपका, x2 माइनस का 4 है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस था फॉर्मूले में लेकिन माइनस x2 तो माइनस आ जाएगा, y3 कितने हैं, y3 आपका माइनस 5 है, ठीक है, y3 आ गया, उसके बाद में y1, y1 कितना है, देखो माइनस का y1 है और माइनस यहाँ, तो फॉर्मूले प्लस से एक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में x3 कितना है, x3, x3 आपके पास माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर y1 की बात आ रही दोबारा, तो y1 कितना आपका, ये रहा माइनस 1, फिर माइनस फॉर्मूले में y2 कितना आपका, y2 आपका 6 है, तो माइनस का 6 ये लीजिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करें तो 1 बाई 2 ये आपका 11 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4 चार चौके 16, तो प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 7 21 तो प्लस का 21, जब इसको ऐड करोगे तो 48 अपॉन में 2 आएगा, तो आपका 24 आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो इस तरह से आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना और बाकी तो कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि k का मान हमें ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात हमें करना है, और यहाँ पर तीन बिंदु दे रखे हैं, ये सहरेखी हैं, देखो सहरेखी हैं, हमें पहले से बता रखा है मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला टाइम मैंने करवा दिया पहले क्वेश्चन में, उस लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, बाकी प्रोसेस वही रहेगी। अब देखो इसमें क्या है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो के बी के अंदर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, और शहर की पहले से देखा, इसका मतलब मैंने बताया था, तो तीन बिंदु जब शहर के दिए होते हैं उसके एरिया का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है निकालने का तरीका वो जीरो के बराबर होता है, मैंने ये बताया था, ठीक है, यानी कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है कि 1 बाई 2 अकॉर्डिंग टू 1 बाई 2 एक्स 1 वाई 2 माइनस में वाई 3 प्लस में एक्स 2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ये किसके बराबर आएगा, जीरो, क्योंकि पहले से सहरेखी दे रखा है आपको, पहले से सहरेखी दे रखा है, तो ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है, हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, देखो 1 बाई 2 x1 कितना आपका, x1 2 है, ठीक है, y2 कितना आपका, y2 k है, तो k माइनस है, वाई 3 कितना है, y3 आपका माइनस 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 3, ठीक है, x2 कितने हैं, x2 आपका 4 है, y3 कितने हैं, y3 माइनस का 3 और माइनस का y1 कितना आपका, y1 माइनस 3, ठीक है, सारी चीज़ें आ रही है। उसके बाद x3 कितने हैं, x3 की वैल्यू 6 है, और y1 कितने हैं, 3 है, माइनस y2 कितने हैं, k है,
इक्वल में जीरो, ठीक है, सारे की है दे रखा है पहले से। अब देखो वन बाई, अब इसको सोल्व करते हैं, तो टू के प्लस का तीन दुए छः, ठीक है, माइनस का तीन, माइनस का तीन, माइनस के छः हो जाएंगे, माइनस के छः चौके चौबीस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस का छः ती अट्ठारह, माइनस का छः के इक्वल में क्या गया, जीरो आ गया। वन बाई टू को हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि जीरो में सीधा डिवाइड कर देता हूँ, इक्वल में जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो टू के और माइनस का छः के, टू के और माइनस का छः के है, तो आपके पास बचेगा चार के, बच गया, माइनस का ज़्यादा है यहाँ पर, अठारह और छः चौबीस, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, जीरो। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो के की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। यही तो अपने को निकालना था, यानी सैर के पहले से दिया हुआ था, जब दिया होगा तो हम इसको एरिया को जीरो के बराबर रखें, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि ए बी सी डी चार अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट है चारों के चारों, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इसे बेहतर तरीके से निकाल सकते हो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, कर आप लेना इसको। देखो चतुर्भुज का मतलब यही हो गया, कोई समांतर कोई सा चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई सा भी है, ठीक है, ए बी सी चारों कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, अब इसका एरिया फाइंड करना है। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे तो आप क्या करोगे, अलग अलग कर लोगे, इसे एक मान लोगे, इसे दो मान लोगे, तो अब दो ट्रायंगल बने कि नहीं बने, बन गए। अब इस ट्रायंगल का एरिया कर सकते निकाल सकते, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट अभी मैंने करवाया था, इसका भी वैसे तीनों कोऑर्डिनेट, दोनों का अलग अलग निकाल के ट्रायंगल का उनको ऐड कर देना, किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का आ जाएगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शीर्षों, हमें शीर्ष दे रखे हैं, तीन शीर्ष दे रखे हैं वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज है उसके तीन शीर्ष हैं, ठीक है, कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, और उन मध्य बिंदुओं को मिलाते तीनों एक त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना। कहने का मतलब ये हमें इस तरह से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं जीरो, माइनस का वन, और बी के मान लेते हैं टू और वन, और इसका मान लेते हैं हम जीरो और थ्री मान लेते हैं। हमें कहा बोला गया है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु हम डी मान लेंगे, इस भुजा का मध्य बिंदु हम ई मान लेंगे, इस भुजा का मध्य बिंदु हम एफ मान लेंगे, और इन तीनों को जब मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है। हमें बताना है इस ट्राइंगल का, यानी ट्राइंगल एफ ई डी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, हम बता सकते हैं अगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट अपने पास में हो तो हम बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, डी क्या है, मध्य बिंदु, मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट, दो बिंदु एक लाइन सेगमेंट है, उनका जो मिड पॉइंट निकालना है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि x1 प्लस x2 बटे दो जोड़ देना y1 प्लस y2, यानी इसका जो हम कोऑर्डिनेट निकाले हैं डी का, तो x1 2 प्लस में 0 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से 1 प्लस में 3 अपॉन में 2, ये मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 2 आ गया, तो डी का कोऑर्डिनेट 1 2 आ गया। अब इसका इसी तरीके से x निकालेंगे तो 0 प्लस 0 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका पता ही है क्या आएगा, 0 आना है, ठीक है। माइनस 1 माइनस 3 को जब ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, मैंने इसमें बता दिया एक बार। अब इसका x1 x2 को जोड़ते हैं तो 2 प्लस 0 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इसकी वैल्यू। 1 और माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि एक में से एक जगह 0 हो जाएगा, तो आपका ये कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब देखो आपके सामने तीनों कोऑर्डिनेट, यानी मैंने आपको बताया था कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, इसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट दिया, आपको इसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट दिया है। जब भी मिड पॉइंट निकालना है इसका तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये तो x का कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये y का कोऑर्डिनेट मैंने अच्छे से सिखा दिया था, तो मैंने इसी का तो यूज़ किया है इसमें। ये मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब करना क्या है, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप भली भांति आप इसे कर सकते हो कि एक ट्राइंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका एरिया फाइंड करने का, तो इसका आंसर आप खुद निकाल लेना क्योंकि मैंने सिखा दिया है आपको। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और जो नए बच्चे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे,
क्योंकि क्या दिया है इसमें, एक्स वाई में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जब ये तीन कोऑर्डिनेट सहरेखी हैं। तो सहरेखी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको अच्छे से बताया था, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आएगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो ये था अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का टॉपिक, ठीक है। देखो तीन वीडियो मैंने बनाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एनटीपीसी के स्पेशल, ऐसे बहुत सी वीडियो बने हुए लेकिन एनटीपीसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें को पढ़ रहे हैं। पहला डिस्टेंस था फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला, अब ट्राइंगल के बारे में तीन। अब देखो अगर आपका क्वेश्चन मीडियम लेवल का पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो इन तीन टॉपिक्स में से आपको देखने को मिल सकता है। कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर हाई लेवल का जो 25% हाई लेवल रहेगा वो क्वेश्चन पूछेगा वो कल का वीडियो देखना आप, उसमें से पूछने वाला है। तो हम सारा पोर्शन करने वाले हैं अच्छे से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी मिलती रहे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।